और महादेव, तो हम ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश, अब यहाँ से जाएंगे अपने शहर के लिए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी। हर हर महादेव, शिशु शंभू। सफर यहाँ से शुरू होता है आगरा से, ये टोटल आगरा आगरा जो है यहाँ से हम गए केदारनाथ के, और अभी आगरा कैंट का रेलवे स्टेशन है और इसके बारे में सब कुछ बताते रहेंगे, और यहीं से यात्रा हमने शुरू की है केदारनाथ की, और आगे आपको बहुत कुछ समझाएंगे और समझना केदारनाथ के बारे में बताऊंगा, बैठ के बताऊंगा, पूरा तीन पार्ट में बनाऊंगा आगरा में और बताते रहेंगे। और महादेव, तो हम ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश, अब यहाँ से जाएंगे अपने शहर के लिए, आगरा की ट्रेन लेंगे और आगे कुछ भी जो भी चीज़ें स्टेशन पर बताएंगे। जब आए थे तब ऋषि हरिद्वार होके आए थे, हरिद्वार स्टेशन से अब जाना हमारा ऋषिकेश होगा। ऋषिकेश का स्टेशन बहुत बढ़िया, और आगे दिखाएंगे और बताएंगे। और बेटा तुम कुछ बोलोगे? बस बढ़िया है, स्टेशन देखते आ जाइए। तो यार, और महादेव, शिशु शंभू, तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। शायद मेरी नज़र में अभी तक ऐसा सबसे बढ़िया स्टेशन है, सफाई वगैरह को लेके बहुत अच्छा, बहुत बड़े एरिए में बना हुआ है पार्क। ये जस्ट पीछे ये स्टेशन है, ये योग नगर, योग नगरी, सॉरी योग नगरी ऋषिकेश। ये अभी नया हुआ है, 2022 में इसका निर्माण हुआ है, यानी कि इसी साल। ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये टोटली उंगली के पीछे, ये टोटली पार्क है, और इसके गेट तीन तीन गेट हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। अभी हम जो गेट पे खड़े हैं वो दो नंबर है पीछे, उसके थोड़ा उधर है वो तीन नंबर है, और एक नंबर वहाँ से स्टार्ट होता है। आप कभी भी केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा में आओगे तो ये स्टेशन पड़ेगा। अभी एक आगे एक और स्टेशन बन रहा है बद्रीनाथ के लिए, तो उस पर काम चल रहा है, अभी हमको पता चला, वो बताया, और आगे थोड़ा स्टेशन पर जा रहा है, पूरा प्रभाव देंगे कैसे यात्रा करेंगे। हर हर महादेव। बस ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर, ये इधर ये पब्लिक दिख रही है, देखो ये कैसे क्रॉस कर रहे हैं, देखो 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 देखो, ये बता दूँ, यहाँ तो क्या ज़्यादा है नहीं है, ज़्यादा स्टॉप भी नहीं है, एक ही स्टॉप है, लास्ट है ये ऋषिकेश उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्विच सरकार द्वारा चालन करता है, अगर आप ये ट्रेन ट्रैक पे से क्रॉस करते हो तो चालन करता है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर इतना सुविधा नहीं है तो चालन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आगे आप कहीं पर भी करते हो तो TT या पुलिस कोई भी पकड़ता आपको तो चालन कटेगा, भाई ऐसे पता ही मत करो, बोलो तो भाई ये निकल रहे हैं, देखो बिल्कुल मत करना। और महादेव शिव शंभू, और आगे बताता रहूँगा, यात्रा हमारी बहुत अच्छी हुई है, और भी आगे बताऊँगा क्या क्या। और महादेव, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे ट्रेन लग जाती है ऋषिकेश से आगरा वगैरह, रूट है इसका काफ़ी लंबा रूट है, 2 दिन का, तो ट्रेन लग चुकी है, स्टार्ट में जनरल डब्बा स्टार्ट में ही है, और जो भी रिजर्वेशन कराते हैं अलग अलग रिजर्वेशन है। ट्रेन की सुविधा भी अच्छी है, सफाई वगैरह भी है, स्टेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब ज़्यादा ट्रेन नहीं आती, नवा नवा भला कोई बात नहीं। और महादेव आगे की और सब आपको बता दूँ, मेरे फोन की मेमोरी शुरू हो जा रही है, ये मैं यार वीडियो बना लेंगे इसके बाद स्टार्टिंग। Moments later. और महादेव, तो ये एम क्रॉस की कल ऋषिकेश का अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिखेगा, ये एम हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, अभी दिखाऊंगा, अभी और बढ़ेगा, अभी बड़ा एरिया, इसी के पीछे अपना रूम है, यहीं रुके हैं भाई, जब से हम आए हैं करीबन आज 5-6 दिन हो गए ट्रिप को, और पूरा करके जाएंगे। और ये तुम्हारा रहा एम, ये एम्स है, और इधर सामने उस रात में इसको हम स्टेशन समझ बैठे थे, तो थोड़ा डर वगैरह लग गया था, तो साइड में से निकल आए थे, इस गेट से निकल के आए थे उसी नंबर, रात के टाइम में कुछ नहीं दिख रहा था, ठेले वाले ने एक गली से भेज दिया, कोई नहीं, बाद में पता चला सुबह मॉर्निंग में इधर गंगा जी है, और ये तुम्हारा एम्स हॉस्पिटल।
हाँ जी, तो ये अपना ऋषिकेश, ऋषिकेश से हम बस स्टैंड से निकल चुके हैं और ये हमारे टर्री में भैया सफर में मजा आ रहा, बहुत अच्छा। ये गया गंगा, गंगा घाट हर महादेव। ऋषिकेश में बहुत सफाई है, बहुत अच्छा बर्ताव है यहाँ पे, और टर्री में बैठे हैं ये देख रहे हैं कैसा है वो भी देखते हैं और आगे की प्रॉपर आपको बताते रहेंगे। हर महादेव शिशु शंभू, और भी आगे महादेव शेष शंभू। मैंने यहाँ की गाय का एक साइज देखा, पता नहीं है, थोड़ा अलग लगा है। हमारे यूपी फिरोजाबाद में आगरा के पास, वहाँ पे गाय क्या थोड़े सही साइज में होती है, यहाँ पर कितने कितने छोटे साइज की गाय। केदारनाथ में भी देखा था मैंने, अगर इसी केस में रूम में जाने वाला हूँ तब भी देखा मैंने। देखो ये गाय है कितना छोटा साइज है, देखो देखो ये पूरी प्रॉपर गाय है, दूध देती है, बच्चे वगैरह छोटे छोटे, साइज छोटा होता है इनका बस। और आगे बताएंगे, अपना रूम है, चलते हैं थोड़ा आराम करेंगे। मस्त जोक मारा रे। गली में जिसके नाग सर पे गंगे का निवास, जो नाथों का है नाथ भोलेनाथ जी, करता पापों का विनाश, कैलाश पे निवास, डमरू वाला वो संन्यास भोलेनाथ जी, जो फिरता मारा मारा उसको देता वो सहारा, तीनों लोगों का वो स्वामी भोलेनाथ जी, रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी, माया से परे तेरी छाया के तले, जो तपता दिन रात उसको रोशनी मिले, केदार विश्वनाथ मुझको जाना। हाँ जी, हर हर महादेव शिव शिव शंभू। तो ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करें। तो आपको एक कमजोरी बताना चाह रहा हूँ, मैं ना जाते टाइम मेरा कोई सीन नहीं था कि ब्लॉग बनाऊंगा या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं केदारनाथ मंदिर पे पहुंचा 25 सितंबर को अपने बर्थडे वाले दिन, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो लौट से मैंने ब्लॉग बनाया है। आगे भी मंदिरों को लेके एनी भी हर चीज़ का ब्लॉग आएगा अपना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर हर महादेव शिव से संपूर्ण।